संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया कर्मियों को संबोधित कर सकते हैं। शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन बेहद हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष ने किसान आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परिवारों से माफी मांगने समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की हुई है। इसी हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कानून वापसी बिल पेश करेंगे, जिसे लेकर सांसदों को भेजे गए संसदीय नोट की भाषा पर पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है। केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापसी बिल के अलावा 25 अन्य बिल भी 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन संसदीय सत्र के दौरान पेश करने की तैयारी की हुई है, जिनमें सबसे अहम बिल प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने से जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को डिजिटल करेंसी उतारने की इजाजत दे रही है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संसद की ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट भी सदन में टेबल की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता ज्योति सिंह फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, देखिए आज से संसद की कार्रवाई शुरू होगी, कार्रवाई सदन में रखा जाएगा कृषि कानून की वापसी का बिल, क्या कुछ जानकारी अभी इस खबर को लेकर? बिल्कुल आयुषी, देखिए आज का दिन जो है वो काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि देखिए संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, और जैसे कि हम विपक्ष को एकजुट होते हुए देख रहे हैं, तो विपक्ष भी अपनी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए संसद के अंदर हंगामा करने को पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए आज का दिन काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि 3 कृषि कानून को वापस लेने का जो विधेयक है वो सदन में रखा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार लोकसभा में कृषि कानून को निरस्त करने का विधेयक वो पेश करेंगे, क्योंकि देखिए कृषि कानून को लेकर पहले ही विपक्ष जो है वो अड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो केंद्र सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज पहली बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये लोकसभा में ये कृषि कानून को निरस्त करने का विधेयक पेश करेंगे, और भले ही सरकार 3 कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया हो, लेकिन संसद का सत्र किसानों की फसलों के लिए यानी कि MSP पर कानून की मांग को लेकर हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि विपक्षी दल पहले ही किसानों की मांग का समर्थन कर चुके हैं और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आयुष, देखिए अगर हम बात करें विपक्ष के इस वक्त, तो देखिए आज पहला दिन है शीतकालीन सत्र का, और इससे पहले कल की बात करें तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसने पहले ही आप पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसने पहले ही वॉकआउट कर दिया। और अब ऐसे में जब विपक्ष अपनी स्ट्रांगनेस दिखाना चाहता है, अपनी मजबूती दिखाना चाहता है, तो आज सुबह यानी कि 10 बजे एक विपक्षी दल की बैठक भी बुलाई जाएगी, जिसमें राहुल गांधी ने सभी से सारे विपक्षी नेताओं से ये अपील की है कि आप आइए और पूरे विपक्ष को एक साथ रहने की जरूरत है, तभी हम केंद्र सरकार को घेर पाएंगे। तो आयुष, आज जो कुल मिला के शीतकालीन सत्र का पहला दिन जो है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है, काफी गर्मा गर्मी वाला दिन जो है वो रहने वाला है, क्योंकि कृषि कानून को निरस्त करने का विधेयक आज पेश किया जाएगा, और इसको लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है कि किन किन मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। विपक्ष न सिर्फ कृषि कानून को निरस्त करने की मांग कर रहा है, बल्कि जो कोरोना में जो मरे हैं लोग उनके परिवार वालों को मुआवजा देने की भी बात कर रहे हैं, MSP पर गारंटी की बात कर रहे हैं, और भी कई तरीके के मुद्दे हैं जिनको लेकर वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। आयुष जी, जी ज्योति, देखिए कार्रवाई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित भी कर सकते हैं? बिल्कुल आयुष, देखिए ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित भी कर सकते हैं शीतकालीन सत्र को लेकर, कुछ बातें भी बता सकते हैं कि क्या क्या विपक्ष को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी देखिए जब भी शीतकालीन सत्र या फिर हम किसी भी सत्र की बात करें तो एक संबोधन होता है जिसमें मीडिया को बताया जाता है कि कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे, और खास तौर पे आज का दिन की अगर हम बात करें तो कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए जो विधेयक पेश किया जाएगा, तो हो सकता है उसको लेकर PM मोदी मीडिया को संबोधन न करें। जी शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा।